सरस्वती चंद्र वाले प्रमद अब जल्द ही आपको पॉजिटिव होते दिखाई देंगे। अपनी शादी से बचकर कलिका के भाग जाने के बाद कुमुद भी प्रमद का घर छोड़ देती है। कुमुद को सरस उसके मायके तक छोड़ आता है। अपने मायके पहुंचकर कुमुद को पता चलता है कि उसके घर वाले काफी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। उधर सरस खुद प्रमद को कलिका के खतरनाक इरादों के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर प्रमद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कुमुद को अपने घर वापस लाने के लिए निकल जाता है। कुमुद प्रमद के सुधरने पर यकीन तो नहीं करती, पर उसके साथ वापस आने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। सुधरे हुए प्रमद पर पहले तो कुमुद को यकीन नहीं होता, पर धीरे धीरे प्रमद को सुधरते देखकर वो प्रमद के घर वालों से उसके पैसे भी वापस दिलवा देती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो वाकई आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि सुधरने के बाद प्रमद कुमुद से एक ही सवाल करता है कि क्या वो अब भी सरस से प्यार करती है। प्रमद उसे सरस का श्राद्ध करने के लिए भी कहता है। सरस भी इस बात पर प्रमद को सपोर्ट करता है और उसे पुराने रिश्ते भुलाने के लिए कहता है। अब सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या वाकई प्रमद बदल गया है या कुमुद के सामने नाटक कर रहा है? क्या कुमुद सरस का श्राद्ध कर देगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। To watch more, subscribe to youtube.com/teletalkindia.